हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए चेतन मलिक एंड मैं आपके सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूँ। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, सी ए इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। सी ए इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुँच रही है, आप प्लीज़ इसको एन्जॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं सी ए इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, सुनो जी, कहानी सुनो। कॉस्टिंग में चैप्टर नंबर 1 हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। बेसिक नहीं बोलूंगा, कॉस्ट शीट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल। अब यहां से आपके मेन चैप्टर शुरू होंगे। हेडिंग डालो जी चैप्टर नंबर 2 मटेरियल। हेडिंग डाल लो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल। और लिखो जी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बंद कर दे, इसको बंद कर दे, यहां से जरूरत नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे, मैंने पहले ही लिखा है यहां पे कि एग्जाम में आने के चांसेस 90%। पहला टॉपिक आपका एग्जाम में आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 9% स्टॉक लेवल्स और बाकी 1% में ये तीनों चीजें। तो एग्जाम में जो मेन प्रोबेबिलिटी आने की वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या स्टॉक लेवल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, कन्फर्म है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर स्टॉक लेवल का एक सवाल आपको आएगा ही आएगा। लेकिन 90% चांसेस है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। भी आप क्वेश्चंस भी देखोगे बुक में, आउट ऑफ 10 7 to 8 क्वेश्चंस आपके ईओक्यू के होंगे, एक या दो इसके होंगे और बाकी इसके होंगे। चलिए शुरू करें।
सबसे पहला टॉपिक है आपका, हेडिंग डाल लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला टॉपिक अभी इसी पे मेन टाइम हमारे को लगाना है इस चैप्टर में। हेडिंग डालो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और कहानी सुनना अब इसकी शुरू करो। एक एग्जाम्पल के जरिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। सर कॉस्ट शीट में ना हमने बेसिक बातें ये सीख ली है। क्या सीख ली है कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा मेन खर्चा हो सकता है वो तीन डिपार्टमेंट में हो सकता है और तीन डिपार्टमेंट में खर्चा तीन टाइप का हो सकता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और वो आगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब मैं उसमें स्पेसिफिकली किसकी बात करने जा रहा हूं, मटेरियल की। मैं सिर्फ मटेरियल की बात करूंगा, चाहे वो फैक्ट्री में लगता हो, चाहे वो ऑफिस में लगता हो, चाहे वो सेलिंग में लगता हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं, मतलब किस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूं, मटेरियल की, जिसमें पहला हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ध्यान से सुन रहे, कहानी के जरिए पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल, ये तीन वर्ड पहले सीखो। मान लो मुझे पूरे साल में, अभी नोट कुछ नहीं करना सिर्फ समझना, मुझे पूरे साल में 24,000 किलो माल चाहिए। मुझे पूरे साल में कितना माल चाहिए, 24,000 किलो रिक्वायरमेंट है। किस चीज की, रॉ मटेरियल की। जब भी मैं इस चैप्टर में बात करूंगा मैं हमेशा किस चीज की बात करूंगा, चैप्टर का नाम ही क्या है, मटेरियल। मटेरियल का मतलब मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, कॉस्टिंग जो है पूरा आपका किस एंगल से है, मैन्युफैक्चरर के एंगल से। तो मैन्युफैक्चरर को जो मटेरियल चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो पूरे साल की मेरी रिक्वायरमेंट है 24,000 किलो। मुझे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 24,000 किलो। एक वर्ड है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और एक वर्ड है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब है जब मैं एक बार अपने वेंडर से रॉ मटेरियल मंगवाता हूं तो हर बार ऑर्डर करने की कुछ कॉस्ट लगती है, जैसे 100 रुपए पर ऑर्डर। सर ये क्या होता होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और बहुत सारे खर्चे हो जाते होंगे, पैकिंग का खर्चा हो गया जो मुझे लगता होगा हर बार ऑर्डर करने में। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या हुआ कि सर आप जो माल को मंगवाते हो उसको अपने पास गोदाम में संभाल के रखोगे, ऐसा तो नहीं है मंगवाया और उसी दिन सारा यूज हो गया, उसको वेयर हाउस में संभाल के रखोगे। तो उसको संभाल के रखोगे तो वेयर हाउस का जो किराया देना पड़ेगा या वेयर हाउस के बाहर जो गार्ड बिठाओगे वो किस लिए यूज हो रहा है, उस माल को संभाल के रखने के लिए। तो माल की कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब आप माल को अपने साथ क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो उस कैरी करने की आपकी कॉस्ट लगती है, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट। लेकिन ये क्या दे रखी है, पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट को संभाल के रखने की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। पूरे साल अगर एक यूनिट आपके गोदाम में पड़ी रहेगी, एक यूनिट अगर पूरे साल आपके गोदाम में पड़ी रहेगी तो आपकी जेब से कितने रुपए लग जाएंगे, 4 रुपए। सर कैरिंग कॉस्ट का और कोई एग्जांपल, इंटरेस्ट कॉस्ट। जितना ज्यादा माल मंगवाओगे उतना ज्यादा आपकी जेब से पैसा ब्लॉक रहेगा, उस फंड जो आपके फंड है वो ब्लॉक होंगे रॉ मटेरियल के रूप में। वो पैसा अगर बैंक में रखते तो क्या कमाते, इंटरेस्ट। वो अब आप नहीं कमा पा रहे हो तो वो भी पार्ट है किस चीज का, कैरिंग कॉस्ट। सर आप ज्यादा माल मंगाते हो और कल को नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपका पुराना रॉ मटेरियल हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए। ऑब्सोलीट होने का मतलब क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से पुराना आउटडेटेड हो गया, तो वो भी आपका माल बेकार जाएगा। ये सारे खर्चे एग्जाम्पल है किस चीज के, कैरिंग कॉस्ट के। तो अब सर ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताना है कि कितना माल एक बार में मंगवाऊं, उस माल का नाम होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाम से चले जाओ, इकोनॉमिक मतलब सबसे सस्ता, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर यानी एक बार में कितना माल मंगवाऊं जो मुझे क्या पड़े, सबसे सस्ता पड़े। लेकिन सर मंगवाने से एसोसिएटेड आपकी दो कॉस्ट है, कौन सी दो कॉस्ट है, ध्यान से लॉजिकली सुनना। सर अगर आप सारा माल एक बार में मंगवाते हो, 24,000 किलो जो पूरे साल में चाहिए, अगर वो एक बार में मंगवा लेते हो तो नो डाउट आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार लगेगी। आपने एक ही बार ऑर्डर किया और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड जितना ज्यादा माल मंगवाओगे उतनी ज्यादा आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। इसका ऑपोजिट करें तो सर एक काम करते हैं, हम ना साल में 4,000 करके माल मंगवाते हैं, 4,000 करके माल मंगवाते हैं, 4,000 किलो माल मंगवाते हैं एक बार में, तो उससे क्या होगा, आपको कितनी बार माल मंगवाना पड़ेगा, 6 बार। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, 600। एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 6 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी होगी, 600। लेकिन सर यहां ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई लेकिन मेरी कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आपको कम माल
गोदाम में संभाल के रखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मुझे इन दोनों चीजों को देखते हुए एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है जिसपे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी, मिनिमम। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल मुझे क्या चाहिए, मिनिमम। मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से। दो बातें होती है सर, बेस पे चले जाओ। अगर कभी आप प्रॉफिट की बात करोगे तो हमेशा एक मैन्युफैक्चरर क्या करना चाहेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। जब आप खर्चों की बात करोगे तो वो क्या चाहेगा, मिनिमाइज। तो हम लोग यहां पे क्या ढूंढने जा रहे हैं, मुझे एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए जिसमें मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। सर एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो मैंने 4000 किलो माल मंगवाया, एग्जांपल कि सर एक बार में ना 4000 किलो माल मंगवाते हैं। अभी मैं सिर्फ दो खर्चों की बात कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कल को ऐसा भी हो सकता है, बहुत रेयर, 10 में से 5 सवालों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सामने वाला आपका वेंडर लालच दे। लालच दे मतलब कि आप एक बार में जितना ज्यादा मंगाओगे उतना मैं आपको क्या दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट, परचेज प्राइस भी आपका क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो वो मुद्दे अलग है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूं। फिलहाल मैक्सिमम जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक बार में कितना माल मंगवाऊ जिसपे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। सर एक काम करते हैं, 4000 किलो माल मंगवाते हैं। अब 4000 जब आपने मंगवाया तो क्या होगा बताओ मुझे। सर 24000 पूरे साल में चाहिए। एक बार में 4000 मंगाओगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, 6 बार, 6 ऑर्डर किया आपने, इनटू में एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 600। सर अब एक बार में आपने 4000 मंगाया, उसको गोदाम में रख दिया, अगला 4000 कब मंगाओगे, जब ये जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते आप माल मंगाओगे तो गोदाम में आपका कितना माल पूरे साल पड़ा रहा, मुझे ये चाहिए, क्योंकि एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 4 रुपए है। मैं आपसे पूछ रहा हूं गोदाम में कितनी यूनिट पड़ी रही पूरे साल, 4000 कैसे पड़ी रही, आपने 4000 मंगवाई, वो गोदाम में रखी, उसको निकाल रहे हो यूज कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो यूज कर रहे हो, जिस दिन जीरो हो जाएंगी उस दिन आप अगली 4000 मंगाओगे। तो मुझे एक सिंपल डेफिनेट फिगर तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि रोज फिगर क्या होगी, चेंज होगी। आप पहले दिन माल मंगाओगे उसमें से मान लो 400 यूनिट यूज करी तो अगले दिन 3600 पड़ी है गोदाम में, उसमें से 600 यूज करी तो अगले दिन गोदाम में 3000 पड़ी है। या तो सर मैं पूरे साल की एक एक दिन की कैलकुलेशन अलग अलग करूं तो मैं आंसर निकाल पाऊंगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कैसे दे रखी है, 4 रुपए पर यूनिट पर डे नहीं है, पर एनम है, कि पूरे साल में कितनी यूनिट पड़ी रही। मान लो मैं कहता हूं आपके गोदाम में 4000 यूनिट आपने मंगवाई और वो पूरे साल पड़ी रही, पूरे साल आपने यूज ही नहीं की, तो आप कह सकते हो कि सर गोदाम में ना पूरे साल भर 4000 यूनिट क्या हुई, पड़ी रही। एक यूनिट को रखने की कॉस्ट पूरे साल की 4 रुपए है, तो 4000 को रखने की कॉस्ट 16000 हो जाएगी। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में तो ऐसा है ही नहीं, हमें तो पूरे साल में कितना चाहिए, 24000। और एक बार में जब आप 4000 मंगवाओगे, कुछ दिन उसको यूज करते चले जाओगे, जब वो कितना हो जाएगा, जीरो, तो अगला 4000 मंगाओगे फिर वो कितना हो जाएगा, जीरो, तो अगला 4000 मंगाओगे फिर जीरो हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 4000 करके कितनी बार माल मंगाओगे, 6 बार। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ऑन एन एवरेज, और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑन एन एवरेज गोदाम में पूरे साल भर कितना माल पड़ा रहा, तो वापस सर कोई ऑप्शन नहीं है। पहले दिन माल 4000 होता होगा, अगले ऑर्डर से पहले जीरो हो जाता होगा, फिर 4000 भर जाता होगा माल अगले ऑर्डर से पहले, फिर कितना हो जाता होगा, जीरो, फिर 4000 भर देते होगे आप, माल मंगा लेते होगे, फिर वो जीरो हो जाता होगा। तो अगर मैं इसकी एवरेज बात करूं तो सर ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना माल पड़ा रहा, 2000। ये एक एजम्पशन है, ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि सर ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे साल भर 2000 यूनिट पड़ी रही गोदाम में। ऐसा दिन आएंगे, बहुत कम आएंगे, पर मुझे एक आंसर निकालना है कि सर पूरे साल भर गोदाम में कितना माल पड़ा रहा। तो मैंने क्या बोला, एवरेज, जितना माल मंगाया उसका आधा ऑन एन एवरेज मेरे गोदाम में पूरे साल भर के लिए पड़ा रहा। क्योंकि देखो सर, पहले दिन मैंने 4000 मंगाया होगा, कुछ यूज किया होगा, कुछ यूज किया होगा, कुछ यूज किया होगा, कितना हो गया होगा वो, जीरो। तो फिर अगला 4000 मंगाया होगा, फिर यूज करता गया, फिर वो जीरो हो गया, अगला 4000 मंगाया। ऐसे में अपने वेयर हाउस को बार बार 4000 तक फुल कर देता हूं, वो जीरो हो जाता है, फिर फुल कर देता हूं, फिर वो जीरो हो जाता है। तो मैं एक एवरेज फिगर मुझे चाहिए कि ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना माल पड़ा रहा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्या कभी भी दिन कभी ऐसा आएगा कि मेरे गोदाम में 4000 से ज्यादा माल पड़ा हुआ है, आएगा ही नहीं, क्योंकि सर मैं मंगवाता ही मैक्सिमम कितना हुआ एक बार में, 4000, और जिस दिन वो जीरो हो जाता तो मैं अगला 4000 मंगवाता। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि 4000 से
ज्यादा पड़ा, हमेशा 4000 से कुछ ना कुछ कमी होता होगा या 4000 होता होगा। जिस दिन माल मंगवाता हूँ उस दिन तो 4000 हो जाता होगा, अगले दिन से वो कम होना शुरू हो जाता होगा। तो मेरे को एक एवरेज फिगर चाहिए कि पूरे साल भर गोदाम में माल कितना पड़ा रहा, 2000। हम ये एक लेके चलते हैं फिगर। हाँ, ये एक एजम्पशन है जो हो सकता है प्रैक्टिकली फुलफिल ना होती हो मैक्सिमम केसेस में, लेकिन मुझे यहां सवाल करने के लिए एक एजम्पशन लेनी पड़ी। और वो क्या एजम्पशन है, मैं कितना माल मान के चलूंगा कि गोदाम में पड़ा रहा, जितना मंगवाया उसका आधा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, एवरेज इन्वेंट्री, उसको क्या नाम दूंगा। तो सर अगर आपने मंगवाया एक बार में 4000, उसका आधा गोदाम में पड़ा रहा यानी कितना, 2000। एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, तो 2000 को रखने की कॉस्ट 8000। तो 8000 लगी हमारी कैरिंग कॉस्ट और 600 क्या लगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मेरी कैरिंग और ऑर्डरिंग मिला के कितनी हो गई, 8600। जब मैं कितना माल मंगवा रहा हूं एक बार में, 4000। लेकिन हो सकता है ये ऑप्टिमम लेवल ना हो, मुझे तो ऐसा लेवल ढूंढना है जिसपे ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो सर एक काम करते हैं ना, दोबारा ट्राई करते हैं। अब मैंने अगले पे ट्राई किया जी, कितना माल मंगवा के देखते हैं एक बार में, 6000। अब तुम मेरे को बताओ, एक बार में अगर 6000 मंगवाओगे, पूरे साल में चाहिए 24000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 4। एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400। सर एक बार में मंगवा रहे हो 6000, तो उसका आधा 3000 ऑन एन एवरेज गोदाम में पड़ा रहेगा। एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 4 रुपए, तो 3000 को रखने की कॉस्ट 12000। सर ये तो बढ़ गया, 12400 हो गया। इससे बढ़िया था मैं कितना मंगवा लेता, 4000 मंगवा लेता, जिसपे मेरी कॉस्ट आ रही थी कितनी, 8600। पॉइंट क्लियर हुआ सर? आपने ना 4 के बढ़ा के 6 कर दिया, क्या पता कम करके देखो क्वांटिटी और कम करके देखो, 4000 के बदले अब कितनी करके देखो, अभी चेक करो 2000 पे। सर 2000 अगर एक बार में मंगवाओगे तो पूरे साल में नंबर ऑफ ऑर्डर 12, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200। एक बार में 2000 मंगवा रहे हो तो उसका आधा ऑन एन एवरेज गोदाम में पड़ा रहेगा 1000। एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 4 रुपए, तो 1000 को रखने की कॉस्ट 4000। सर ये बढ़िया हो गया, इसमें मजे आ गए हमारे। तो 2000 मंगवा लो तो आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल कितना हो जाएगा, 5200, जो 4000 पे कितना आ रहा था, 8600। तो क्या करना चाहिए, 2000 मंगवा लेना चाहिए। अभी तक अगर देखें तो 4, 6 और 2 में से कितना मंगवाना चाहिए एक बार में, 2000। सर ऐसे कब तक करते रहेंगे, जीवन में ये तो रह नहीं गया, सिर्फ 5 नंबर का सवाल आएगा। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का, 2AO/C, अंडर रूट में 2AO/C। A का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हमारे एग्जाम्पल में 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 24000 × ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर की कितनी है 100 रुपए, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 4। इसको सॉल्व करके अंडर रूट निकालोगे, आपका आंसर आएगा 1095। अब इस पे चेक करके देख लो, इस पे आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग हमेशा क्या आएगी, मिनिमम। इससे कम करोगे तब भी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा करोगे तब भी बढ़ जाएगी। करके देख लो सर, 1095 करके देखो। अब एक बार में अगर आप 1095 मंगा रहे हो, पूरे साल में चाहिए 24000, एक बार में 1095 मंगाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर 22, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 100 रुपए, तो 22 ऑर्डर की कॉस्ट 2200। एक बार में 1095 मंगा रहा हूं डिवाइड बाय 2, आधा ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेगा यानी 547.5 × में एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 4 रुपए, तो इतने को रखने की कॉस्ट 2190। इसका टोटल आ गया 4390। तो ये 1095 क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू बोलते हैं इसको। 1095 को हम क्या बोलेंगे, ईओक्यू, कि हमें इतना इतना करके माल मंगवाना चाहिए जिसपे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या आएगी, मिनिमम आएगी। आप ट्राई करके देख लो, 1094 और 1096 पे ट्राई करके देख लो, करके देख लो, 1000 पे करके देख लो, एक यूनिट बढ़ा के देख लो, कम करके देख लो, ट्राई करके देखो। वन जीरो नाइन फोर पे भी बढ़ जाएगी और 1095 पे भी, 6 पे भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बेसिक्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी, इंग्लिश में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट लेवल ऑफ क्वांटिटी एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज
मिनिमम, तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी, अगर पूरे साल में 24,000 माल मंगवाना है पूरे साल में, तो एक बार में कितना मंगवाना चाहिए, 1095, ताकि हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल क्या आए, मिनिमम आए। पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे और कहानी को क्लियर करेंगे। एक बेसिक कहानी थी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो कि आप नोट करोगे।
चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। चलो जी, हटा दो इसको। चलिए जी, एक एग्जाम्पल समझे। अब धीरे धीरे हर एग्जाम्पल में कोई नई चीज लेके आऊंगा। ये तो बेसिक कहानी थी जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरा और डिटेल में। हटा दू इसको, ये बेसिक कहानी क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल समझना आप जरा ध्यान से। हटाऊ इसको, देखो जी एग्जाम्पल नंबर टू पहले समझना प्लीज इसको, फिर नोट करना। आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखे 20,000 kg। अभी समझ में आ रहा होगा एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है पूरे साल में अपने को कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50, जो पिछले एग्जाम्पल में कितनी थी 100 रुपीज, ये उसमें 50 आ गया। अभी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे रखा 8%। पिछले एग्जाम्पल में कैरिंग कॉस्ट दे रखी थी रुपीज में निकाल के, 4 रुपए दे रखा था आपको। यहां पर किस में दे रखी है? परसेंटेज में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट जब भी दे रखी होती ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होगी? ऑलवेज ऑन परचेज प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस? परचेज प्राइस का क्या मतलब है यहां पे? परचेज प्राइस का क्या मतलब है? वैसे अभी चाहिए नहीं छोड़। परचेज प्राइस का क्या मतलब है यहां पे? 4 रुपए जो दे रखा है ये क्या है कि अगर एक यूनिट 4 रुपए की आपको मिलती है, लेकिन जिसका भी मेरे एग्जांपल में कोई इस वर्ड का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें परचेज प्राइस का तो कुछ करना ही नहीं है। करना है कुछ नहीं? करना कुछ नहीं करना परचेज प्राइस का। और लेकिन कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे निकलती है? परचेज प्राइस पे। सर अगर 8% दे रखी है और परचेज प्राइस 4 रुपए, तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 0.32। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? अभी मुझे वो ड्रामा नहीं चाहिए, हिट एंड ट्रायल। सीधा ईओक्यू का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट में 2AO/C। देखो देखो करके देखो, 2 में 20,000 में 50 तार है, एग्जाम्पल नोट करो।
चले जी, हो गया एग्जाम्पल नोट। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2500। यानी एक बार में कितनी यूनिट मंगवानी चाहिए? 2500। 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। 2 इंटू में एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000। इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 0.32। इसका अंडर रूट करो कितना आ रहा है? 2500। अभी ईओक्यू आ गया 2500, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2500। इस पे ऑर्डरिंग और कैरिंग अगर निकालनी हो तो कितनी आएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? सर एक बार में मंगवा रहे 2500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? सर पूरे साल में चाहिए अपने को 20,000। एक बार में मंगवा रहे हैं 2500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8 ऑर्डर और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है ₹50। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 400 और कैरिंग कॉस्ट सर एक बार में मंगवा रहे हैं 2500, इसका आधा ऑन एवरेज गोदाम में रहेगा 1250 इंटू में 0.32 400। तो 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800। पॉइंट क्लियर हो गया? सर क्या ये 800 निकालने का कोई और तरीका है क्या? ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग का टोटल एक साथ आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लिखो ये अगला चीज, अभी सब फेयर में लिखवाऊंगा, अभी ये सब कहानी चल रही है आपको कॉन्सेप्ट कराने के लिए। ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल निकालने का फॉर्मूला लिखो, ओसी प्लस सीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AOC। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2AOC। और करके भी देख लो, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कहां अप्लाई होगा? एट ईओक्यू लेवल। ईओक्यू लेवल पे जो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल आता है उसी टोटल को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन ईओक्यू के अलावा किसी और क्वांटिटी को मंगवा रही है तो उस पे जो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो ईओक्यू पे मंगा ही नहीं रही माल। मैं कह रहा हूं जो ऑर्गेनाइजेशन असलियत में ईओक्यू उसका 2500 है, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन 2500 ही मंगवाएगी एक बार में, ये ईओक्यू को फॉलो कर रही है, तो इसकी ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल इस फॉर्मूले से भी सेम आएगा और ऐसे भी सेम आएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं भाई अपने को ईओक्यू फॉलो नहीं करना, इसके अकाउंटेंट को पता नहीं है ईओक्यू का मतलब क्या होता है, ये एक बार में मजे से 5000 यूनिट मंगवाता है, एक बार में 5000 मंगवाता है, तो ये तो ईओक्यू फॉलो कर नहीं रहा, तो उस केस में जो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल आएगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगा। करके देखो, आप एक एग्जांपल लो इसी में। एज्यूम 5000 यूनिट्स आर बीइंग ऑर्डर्ड। एज्यूम 5000 यूनिट्स आर बीइंग ऑर्डर्ड। अगर कोई व्यक्ति इसी एग्जांपल में 5000 यूनिट मंगवाएगा इंस्टेड ऑफ 2500 एक बार में, तो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल बताओ कितना आएगा? अलग अलग करके बताना, ऑर्डरिंग कितना आएगा और कैरिंग कितना आएगा। अगर एक बार में कोई व्यक्ति 5000 मंगवाएगा तो क्या होगा? टोटल हो गया 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट 800। टोटल हो गया 1000, जो कि उस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगा। उस फॉर्मूले से कितना आ रहा है? 800। पॉइंट समझ रहे? मैं कहने का चाह रहा हूं जो व्यक्ति ईओक्यू फॉलो करेगा उसकी तो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल उस फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति ईओक्यू फॉलो ही नहीं करेगा उसकी ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। चलिए शुरू करें। अब इसके बारे में जरा, ये तो हुए हमारा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जरा एक लिखो, कहानी लिखो इसके बारे में। ईओक्यू पढ़ लो पहले, क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? इट इज दैट लेवल ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ईओक्यू कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में 2AO डिवाइड बाय सी, वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये बार बार याद दिला रहा हूं पेपर में गलती करवाने के लिए ना, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हाफ ईयरली दे देगा, कि मान लो 4% हाफ ईयरली है
तो 8% पूरे साल का होगा, अगर 4% आधे साल का है तो पूरे साल का कितना होगा 8%, और वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होगा परचेज प्राइस पे। तो ऐसी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स के लिए आपको गलतियां देगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे लेनी है पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट हमेशा कैसे लेनी है पर यूनिट पर एनम, और ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल जिसे हम क्या नाम देते हैं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, उसको नाम टोटल रेलेवेंट कॉस्ट क्यों देते हैं बिकॉज इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अगर ऑर्डरिंग कैरिंग का टोटल डिसाइड करके आप बताते हो कि आपको कितना माल मंगवाना चाहिए और वो कैसे निकाल सकते हो अंडर रूट में टू एओसी, और ये किसपे काम करेगा सिर्फ एट ईओक्यू, नोट करो इसको। चले जी हो गया नोट। चलो जी एग्जाम्पल करते हैं आगे। बुक लाए हो, निकालो बुक निकालो।
पेज नंबर आओ जी, पेज नंबर है 13। पेज नंबर 13 पे आओ, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आओ, प्रॉब्लम नंबर 3। पेज नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाओ। और बुक बड़ी कम लाए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो कैलकुलेट, अच्छी बात है, सभी बंद कर दो, फिर बंद कर दो, तुम देखोगे आंसर देखोगे, छोड़ो बंद करो, यहां देखो आंसर देखोगे, कोई फायदा नहीं है, तुम यहां देखो अपने आप करेंगे। देखो कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। आपको क्या निकालना है? ईओक्यू निकालना, और फिर क्या बताना है? नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो एक एक करके मुझे वर्ड बताओ कॉपी में ना, जो आपको डेटा समझ में आए उसके हिसाब से अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो। पहले लिखो प्रॉब्लम 3, पेज नंबर है 13, और उसके बाद लिखो ये क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम 10,000 किलो, क्या है ये? लिखो ए, लिखो ए, लिखो 10,000 किलो, ए इज इक्वल टू 10,000। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये क्या है? लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट, लिखो 50 ओसी। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है? परचेज प्राइस, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, एक किलो आपको इतने का, लिखो पीपी 2 रुपए। और उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है? 8%। स्टोरेज मतलब कैरिंग कॉस्ट, लिखो सीसी इज इक्वल टू 8%, और वो किसका निकलेगा? परचेज प्राइस का, 2 रुपए का 8%, 0.16 निकालो, ईओक्यू निकालो, करो, करना भी है फटाफट, कैलकुलेटर पे नहीं कॉपी में करना फटाफट। ईओक्यू इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट में 2AOC, अंडर रूट में 2AO डिवाइड बाय सी, और उस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज और आंसर निकालो। निकालो जी कितना आएगा, नहीं नहीं ईओक्यू कितना आएगा? 2500। नंबर ऑफ ऑर्डर 4, बस इतना ही निकालना था आपको, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्डर 4 कैसे? सर अगर ईओक्यू 2500 आ गया, यानी एक बार में 2500 मंगवाएंगे और पूरे साल में 10,000 चाहिए, एक बार में 2500 मंगा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो जी हटाऊं। देखो अब अगली कहानी सुनो, लिखो जी प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर अगेन सेम 13। आओ जी पढ़ो मेरे साथ, और जो डेटा गिवन है वो अपने पास लिखना। लिखो पहले देखो क्या लिखा है, कंप्यूट ईओक्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वेरिएबल कॉस्ट की अभी बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एनुअल डिमांड 5,000, क्या है ये? लिखो ए, लिखो 5,000 यूनिट, ए लिखो 5,000 यूनिट। उसके बाद यूनिट प्राइस 20 रुपए, ये क्या है? परचेज प्राइस, लिखो पीपी 20 रुपीज। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको? 16, लिखो जी ओसी 16। नेक्स्ट देखो ये क्या है, तीन चीज दे रखी है आपको,
स्टोरेज, इंटरेस्ट और ऑब्सोलिसेंस, तीनों ऐड हो गए। कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंट हो गया? 12 और 6, 18 और 2, 20%। लिखो, कैरिंग कॉस्ट इज 20%। और ये किसका निकलेगा? परचेज प्राइस। एंड परचेज प्राइस कितना गिवन है आपको? 20। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 4 रुपए। 20 रुपए का 20%, सब कुछ। ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है? अभी हमने बात की थी ना कि पुरानी टेक्नोलॉजी, वो भी कैरिंग कॉस्ट ही है। माल को ज्यादा रखने की तो कॉस्ट है, अगर ज्यादा ना रखते तो खराब भी ना होता। ऑब्सोलिट हुआ ही तभी जब हमने ज्यादा मंगाया। टोटल हो गया 20%, और वो निकालोगे 20 का आएगा 4 रुपीज कैरिंग कॉस्ट। निकालो इससे ईओक्यू, निकालो कितना आएगा। ईओक्यू कितना आएगा? चेक करो, ये किया आपने, एनुअल दिया था 5,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज प्राइस 4 रुपए, परचेज प्राइस 20 गिवन था। तो ईओक्यू निकाला 2 × A × O / C, ये आ गया 200 यूनिट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अभी अगली कहानी बताओ, देखो क्या कह रहा है। अच्छा सवाल है अभी इसके आगे। डिटरमाइन द, अभी ये पढ़ो पहले, उस पर आप बाद में, ये पढ़ो क्या लिखा है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.80 इज यूज्ड। कह रहे हैं जो ये परचेज प्राइस है 20 रुपए, इसकी जगह अगर हम 12 रुपए 80 पैसे यूज करें तो क्या होगा? क्या होगा, किस पे फर्क पड़ेगा? कैरिंग कॉस्ट पे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 20% आपने परचेज प्राइस का निकाला था, वो 20 की जगह 12 रुपए 80 पैसे इस्तेमाल करना है। तो ईओक्यू कितना आएगा? करते रहो फटाफट, कॉपी में करो इसको। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो वो कह रहा है, एज्यूम कर लो परचेज प्राइस कितना, 12 रुपए 80 पैसे, एनुअल रिक्वायरमेंट सेम, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम, बस कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 2.56, 20% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस चेंज हो गया, तो हमारा ईओक्यू कितना आ जाएगा? 250 यूनिट का। पॉइंट क्लियर हो गया? कहानी क्लियर हो गई यहां तक? लेकिन इसने आपको ईओक्यू निकालने को नहीं बोला, क्या निकालने को बोला? डिटरमाइन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट दिस लेवल, कि अगर हम परचेज प्राइस 12 रुपए 80 पैसे इस्तेमाल करें तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी। सर टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सर टोटल कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी इस एग्जांपल में, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो दो आती हैं। इस केस में परचेज प्राइस भी आएगा, क्योंकि पहले परचेज प्राइस कितना था? 20 रुपए, अभी परचेज प्राइस कितना है? 12 रुपए 80 पैसे। अब देखो, सुनो, अभी नोट नहीं करो, यहां तक कहानी क्लियर हो गई? 250 यूनिट आ गया सबका ईओक्यू। अगली कहानी देखो, सर हमें क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट। सर अगर 200 यूनिट माल मंगवाते हैं एक बार में, जो पहले ईओक्यू आया था, क्योंकि पहले हमारा कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए थी, तो पहले ईओक्यू कितना आया था? 200। फिर कैरिंग कॉस्ट में जब चेंज आया तो हमारा ईओक्यू कितना आ गया? 250। लेकिन क्या ईओक्यू का चेंज होने से मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई क्या? पूरे साल में तो पहले भी कितने चाहिए थे? 5,000, और आज भी कितने चाहिए? 5,000। अभी देखना जरा, सर तीन चीज हमेशा आपको कॉस्ट में लेके चलनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज प्राइस। जब लेके चलोगे, जब परचेज प्राइस में क्या होगा? चेंज होगा, अदरवाइज परचेज प्राइस हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेगा। अगर परचेज प्राइस क्या होगा? सेम, आप अगर परचेज प्राइस 20 रुपए रहता, यहां पे 20 रुपए रहता, तो माल तो 1 लाख का ही आता, तो आपको उसको देख के डिसीजन मेकिंग में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो वो इररिलेवेंट हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां पे परचेज प्राइस क्या है? अलग, तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेगा। देखो अब, सर मेरा ईओक्यू है 200 यूनिट, लेकिन जब मैं 200 यूनिट माल मंगवाता हूं ना, तो 5,000 यूनिट जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, वो 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख की पड़ती है। जब 200 यूनिट माल मंगवाता हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाते हैं? 25, और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है?
16, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाती है 400, और सर जब एक बार में 200 मंगवाता हूं तो ऑन एन एवरेज 100 गोदाम में रहते हैं, एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए है, तो 100 को रखने की कॉस्ट 400, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आती है 1,08,000। लेकिन सर जब मेरा ईओ क्यू आया 250 यूनिट का, ईओ क्यू 250 कब हुआ, जब आपका परचेज प्राइस चेंज होके 12.80 हुआ, तो सर इसका मतलब पूरे साल की रिक्वायरमेंट 5,000, एक यूनिट कितने की आती है 12.80 रुपए की, तो आपकी परचेज प्राइस कितना हो गया 64,000। अब सर 250 यूनिट जब मेरा ईओ क्यू आया, एक बार में मांगाते हो 250, पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 20 और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 16 सेम ही है, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 320। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, सर एक बार में मंगवाते हैं 250, तो उसका आधा 125 गोदाम में रहता है, और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट पहले 4 थी, अभी कैरिंग कॉस्ट कितनी है इस एग्जांपल में 2.56, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 64,640। पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपको निकालनी थी। और जो पहला पार्ट था वेरिएबल कॉस्ट निकालो, वेरिएबल होती है ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, वो आप यहां पे निकाल सकते थे अलग से, लेकिन लास्ट में हमने दोनों को इकट्ठे निकाल दिया। करो जी, ये बात समझ में आई, हमने परचेज प्राइस क्यों कंसीडर किया, क्योंकि वो चेंज था, अगर परचेज प्राइस सेम होता तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता। चले जी, हो गया यहां तक, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चले जी आगे चले, लिखो प्रॉब्लम नंबर 24, पेज नंबर 23 कॉपी में लिखो, प्रॉब्लम 24 पेज नंबर 23। प्रॉब्लम 24 पेज नंबर 23। सुनो जी, अब कहानी सुनना, आप धीरे धीरे समझना, टेक्निकलिटी बढ़ती चली जाएंगी। अब अनिल एंड कंपनी बायज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। पहले तो इसका मतलब बताओ क्या लिखा है,
लिखो एनुअल रिक्वायरमेंट, ए इज इक्वल टू 36,000, एनुअल रिक्वायरमेंट उनकी 36,000 है, उसको वो कितनी बार में मंगवाते हैं? 6 बार में, यानी एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं? 6,000। मैं ये नहीं कह रहा ये ईओक्यू है, हो सकता है वो ईओक्यू पे ऑर्डर करते हो सकता है ना करते हो। तो लिख लो नंबर, करंट ऑर्डर 6,000 पर ऑर्डर, करंट ऑर्डर क्वांटिटी इज 6,000 पर ऑर्डर, करंट ऑर्डर क्वांटिटी 6,000 पर ऑर्डर। आगे पढ़ो, ईच यूनिट कॉस्ट रुपीज वन, ये क्या है? लिखो पीपी रुपीज वन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, लिखो ओसी 25। एंड इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, ये ना भी कहता तो हम 20% यूनिट वैल्यू का ही निकालते हैं। तो लिखो कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 20%, और ये किसका निकलेगी? परचेज प्राइस का, और परचेज प्राइस कितना है? 1 रुपया। तो 1 रुपए का 20% पॉइंट 20 पैसा आ गया कैरिंग कॉस्ट। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, क्या कह रहे हैं? जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी का मतलब ये एक बार में कितना मंगा रहे हैं? 6,000। इस पर इनकी टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल दो। एनुअल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि सर इसमें परचेज प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा मुझे, पूरे सवाल में कहीं दिख रहा है क्या परचेज प्राइस का डिफरेंस? नहीं। तो आप इस लेवल पे, यानी अगर पूरे साल में चाहिए 36,000, एक बार में मंगवा रहे हैं 6,000, इस लेवल पर ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग का टोटल निकाल के आपको देना है। निकालो ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरे ख्याल से तो 6 ऑर्डर है और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 25 रुपए है, तो 150 तो मेरे ख्याल से ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट एक बार में मंगवा रहे हो 6,000, एक बार में मंगवा रहे हो 6,000, उसका आधा यानी 3,000 गोदाम में रहेगा, 3,000 पे 20 पैसा मेरे ख्याल से कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, तो कितनी आएगी? 600 कैरिंग कॉस्ट, 600। तो टोटल ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कितनी आ गई? 750। ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग आएगा 750। आया ये पॉइंट? क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आगे लाइन मेन है। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय, कहने का मतलब अगर ये ईओक्यू पे मंगवाएं तो इनकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कितनी आएगी, और अभी के मुकाबले कितना पैसा सेव होगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ईओक्यू निकालो। देखो अभी तक हम यहां तक कर चुके हैं, यहां देखो एक बारी, हम अभी तक 750 निकाल चुके हैं। अभी कह रहा है कि अगर ईओक्यू पे माल मंगवाएं, अगर ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ईओक्यू पे माल मंगवाए तो इसकी ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कितनी आएगी और अभी के मुकाबले कितना पैसा सेव होगा। पहले आप ईओक्यू निकालो, 3,000 आएगा और ये मामले कितना मंगवा रहे हैं एक बार में? 6,000। तो 3,000 पे इनकी ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालो कितनी आएगी, अलग अलग निकालो, वो फॉर्मूला नहीं यूज करना आपको, अलग अलग निकालना है। ईओक्यू आएगा मेरे ख्याल से 3,000, इनका करंट ईओक्यू आ जाएगा वो 3,000 आएगा। ईओक्यू 3,000 का मतलब है इनको एक बार में मंगवाना चाहिए 3,000, मंगवा के बैठे 6,000। आया ईओक्यू 3,000? इनका ईओक्यू आ जाएगा 3,000, 2AO डिवाइड बाय सी, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20 पैसा। तो ईओक्यू आ जाएगा 3,000 और ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालो कितनी आएगी? 300, 300, 600, और पहले इनकी कितनी लग रही थी? 750। तो अभी कितना पैसा सेव कर सकते हैं लोग? 150 रुपए। मनी सेव्ड कैसे निकालोगे? अर्लियर एनुअल कॉस्ट माइनस ईओक्यू एनुअल कॉस्ट, या एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू। तो 750 माइनस 150, तो ओ सॉरी 600, तो कितना आएगा मनी सेव्ड? 150। चलिए जी कहानी क्लियर हो गई यहां तक? 5 नंबर का सवाल आता है ईओक्यू का।
चलो हटा दूं। नेक्स्ट कहानी समझो जी, लिखो जी प्रॉब्लम 25 पेज नंबर 24। प्रॉब्लम 25 पेज नंबर 24। आओ जी, कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स कंपोनेंट अल्फा। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर एक कंपोनेंट लगता है अल्फा, यानी हमारा रॉ मटेरियल का नाम जो है वो अल्फा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड। एनुअल डिमांड दे रखी है 8000, क्या है ये? लिखो लिखो लिखो, ए इज इक्वल टू 8000, ए इज इक्वल टू 8000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा ये क्या है? परचेज प्राइस लिखो जी 400, और कैरिंग कॉस्ट लिखो कितनी? 20%, 20% लिखो, 20% निकालोगे 400 का तो कितना आएगा? 80 रुपए। अभी बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, देखो क्या लिखा है, कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज प्राइस प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट। पहले इसका ना ईओक्यू निकालो, पहले ईओक्यू निकालो इसका, इस लेवल पे ईओक्यू, कंपनी को कितना माल मंगवाना चाहिए। ईओक्यू निकाल के दो, ईओक्यू आ गया 200 यूनिट। इसका मतलब है कंपनी को एक बार में कितना माल मंगवाना चाहिए? 200 यूनिट। सामने वाला वेंडर क्या लालच दे रहा है, क्या बोल रहा है सामने वाला वेंडर, क्या बोल रहा है? एक बार में 4000 मंगा लो, मैं तुम्हें परचेज प्राइस में कितने का डिस्काउंट दे दूंगा? परचेज प्राइस अभी कितना है? 400, उसमें 4% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 384। मेरा परचेज प्राइस चेंज होगा तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, यानी सर पता है क्या होगा, एक लेवल है कंपनी चाहती है मैं एक बार में कितना मंगवाऊं, कंपनी तो क्या चाहेगी मैं एक बार में कितना मंगवाऊं? 200 पर मेरा परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा वो निकालेंगे हम लोग। लेकिन सामने वाला वेंडर क्या बोल रहा है, भाई 200 मत मंगवाओ यार, तुमने बहुत मंगा रहे, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी मंगाते हो, एक बार में कितना मंगा लो? 4000 मंगाओ एक बार में, तुम्हें थोड़ा सा परचेज प्राइस में डिस्काउंट दे दूंगा। परचेज प्राइस कितना कर दूंगा? 384। तो मेरा परचेज प्राइस भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से मेरी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी, तो 4000 के लेवल पे मेरी तीनों कॉस्ट का टोटल क्या आएगा, और 200 के लेवल पे तीनों कॉस्ट का टोटल क्या आएगा? अगर 4000 के लेवल पे टोटल कॉस्ट मेरी कम हो गई एज कंपेयर टू माय ईओक्यू, तो मैं उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई ठीक है चल तेरी बात मान लेते हैं, मेरे ईओक्यू से तो कॉस्ट कम ही आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो वही सेम कहानी करनी है जो पिछले एग्जाम्पल में करी थी। टेबल बनाओ, दो कॉलम, एक पर्टिकुलर्स और उसके बाद दो कॉलम, एक कॉलम में 200 यूनिट के हिसाब से तीनों चीजें निकालनी है, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, और एक कॉलम में 4000 यूनिट के हिसाब से आपको तीनों चीजें निकालनी है, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। वो सेम टेबल बनेगी जो अभी बनाई थी, तीन कॉस्ट निकालनी है आपको। और दूसरा ऑप्शन, परचेज प्राइस को लू या ना लू कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले 400 और बाद में उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, 384 कर दिया। एनुअल रिक्वायरमेंट तो दोनों ही केस में सेम रहेगी 8000, जो मुझे पूरे साल में चाहिए। ट्राई करो खुद से। नहीं दिए
तो तुम उसके ऑर्डर उसकी बात को या उसके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? देख लो, चेक कर लो, पहले आंसर चेक कर लो, ये आना चाहिए। एक तरफ आएगा 3216, एक तरफ आएगा 3226, तो हम उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। उसने परचेज प्राइस उससे बोलेंगे थोड़ा और कम कर। अगर मैं इस सवाल में तुमसे एक बात बोलूं, चलो यार यहां तक हो गया सबका, तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट कब करोगे? पॉइंट समझो, मैं उसका ये बोलना चाह रहा हूं कि आप उसका ऑफर एक्सेप्ट कब करोगे। अब सवाल ना पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आपको नेगोशिएट करना है वेंडर से, आपको वेंडर से क्या करना है, नेगोशिएट करना है आपका। यहां तक हो गया सबका? अगली कहानी समझो, मैं अगला एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। आपको वेंडर से नेगोशिएट करना है, आपका ईओक्यू है 200 यूनिट। इसका मतलब है कि आप कितनी यूनिट मंगवाते हो एक बार में? 200, जिस पे आपकी ऑब्वियस बात है ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या आती है, मिनिमम आती है, इससे कम नहीं आ सकती आपकी ऑर्डरिंग कैरिंग, और परचेज प्राइस है 400। आपका वेंडर कह रहा है भाई एक बार में माल मंगवा ले 4000। मैं कहता तो पागल थोड़ी है, अगर एक बार में 4000 मंगवाऊंगा तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेरा वेंडर बोलता पता मुझे क्या कहता है, भाई अच्छा ये बता तेरे को ना मैं परचेज प्राइस में डिस्काउंट दे दूंगा, बता तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए। तो मुझे कितना डिस्काउंट चाहिए होगा, मैं उससे उतना डिस्काउंट मांगना चाहूंगा कि जो 4000 की कॉस्ट है वो या तो ईओक्यू जितनी आए या उससे कुछ कम आए। लेकिन कुछ कम का तो, कुछ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है कि कुछ मतलब कितना। पंजाबी से पूछोगे वो कहेगा 10-20 रुपए कम आ जाए कोई टेंशन है, बनिए से पूछोगे भाई आधी हो जाए तो लूंगा। पॉइंट क्या, उसका कुछ की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, भाई ऐसा है मुझे इतना डिस्काउंट चाहिए कि मेरी इसकी कॉस्ट का टोटल इसके बराबर भी आ जाए तो भी मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? सर 4000 यूनिट पे ना, ध्यान से समझना, मेरा परचेज प्राइस मैं कितना चाह रहा हूं, लेट इट बी अभी जो उसने 4% का डिस्काउंट दिया, मैं उस परचेज प्राइस को कितना मान के चल रहा हूं, एक्स। ये हो गया मेरा परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आप दो बार ऑर्डर करोगे, 8000 पूरे साल में चाहिए, एक बार में मंगवा रहे हो 4000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2, और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या रहने वाली है सेम, तो ये हो गया 400। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर एक बार में मंगवा रहे हैं 4000, तो उसका आधा यानी 2000 आपके गोदाम में रहेगा, और एक यूनिट को रखने की कैरिंग कॉस्ट कितनी है? सर 20% किसका? एक्स का। पॉइंट 2x कितना हो जाएगा ये? 20% ऑफ 2000, 400x। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 8000x प्लस 400x 8400x प्लस 400, ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। दिस शुड बी इक्वल टू 3216, ये जो मेरी ईओक्यू पे कॉस्ट है इसके बराबर आना चाहिए। भाई मैं तेरे से माल ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक्स की वैल्यू निकाल के दो। इसका मतलब क्या है, मैं वेंडर को क्या बोलूंगा, भाई ऐसा है तो मुझे 400 रुपए की जगह, 400 रुपए की जगह अगर एक यूनिट कितने की देगा, 382.8 की देगा, तो मैं तेरी बात मान लूंगा और एक बार में 2000 की जगह, 200 की जगह 4000 यूनिट मंगवा लूंगा। तो डिस्काउंट कितना मांगू, डिस्काउंट कितना मांगू? सर 400 का पहले आता था, आप चाह रहे हो 382.8 का मिल जाए, तो पर यूनिट कितने रुपए का डिस्काउंट मांगोगे रुपीज में बताओ? सत्रह पॉइंट बीस पैसे का डिस्काउंट मांगोगे आप, जो कि 400 रुपए के मुकाबले कितना परसेंट है, 4.3%। पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ में आया? पहली बात हमने क्या निकाला कि मुझे कितना परचेज प्राइस चाहिए जिससे कि मेरी 4000 के लेवल पे जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाए किसके, ईओक्यू के बराबर हो जाए। तो आपने एक्स मान लिया उसको, उससे आपने निकाला परचेज प्राइस आपका कितना आ गया, 382.8 आ गया, ये आ गया। अब मैं आप वेंडर को क्या बोलूंगा, भाई ऐसा है मैं तेरी बात मान लूंगा, जबकि मेरा ईओक्यू 200 यूनिट का है, फिर भी मैं एक बार में तेरे कहने पे माल कितना मंगवा लूंगा एक बार में 4000, लेकिन मुझे परचेज प्राइस कितना चाहिए, 382.8 चाहिए, जो जिसमें 17.20 रुपए का मैं तेरे से क्या मांग रहा हूं, डिस्काउंट मांग रहा हूं, जो कि 400 रुपए के मुकाबले 4.3% है, तो मैं तेरी बात मान लूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगला आप इसके नीचे क्या लिख सकते हो, कैलकुलेट डिस्काउंट
फ्रॉम वेंडर आप उससे कितना डिस्काउंट मांगोगे, ये मैंने नया ऐसी बना दिया क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, अभी आएंगे आगे, कि आप उससे बताओ कितना डिस्काउंट मांगोगे अगर आप उसकी बात मानना चाहते हो तो। तो हम बोलेंगे भाई एक यूनिट को मान लिया ये एक्स रुपीज में मिल रही है, तो उससे टोटल कॉस्ट निकालिए और टोटल कॉस्ट ईओ क्यू के बराबर इक्वेट कर देंगे, उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चले जी हो गया यहां तक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी। मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, कहां पे टेंडर इनविटेशंस, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा। बहुत रेयर केसेस में ले सकते हो, और केस टू केस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कई जगह ऐसी होती है जहां ट्रांसपोर्टेशन हमें खर्चनी पड़ती है, कई जगह ऐसी होती है जो वेंडर घर तक पहुंचा के देता है, वो अपने परचेज प्राइस में ऐड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पैम्फलेट बनवाते हैं या हम लोग स्टिकर्स बनवाते हैं, तो मुझे पता है वो मेरे को यहां तक छोड़ के देगा, और स्टिकर का जो प्राइस चार्ज करो उसे मुझे बोला ₹5 पर पैम्फलेट है, मान लो मैंने 1000 पैम्फलेट बनवाया तो वो मेरे से कितने रुपए लेगा, 5000। अब उसमें वो मुझे यहां तक घर तक छोड़ के भी दे रहा है, तो वो मेरे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं हुई, वो मेरा किस में घुस गया, वो परचेज प्राइस में घुस गया। लेकिन अगर मान लो मुझे कहेगा भाई साहब आपको पैम्फलेट मेरी दुकान से उठाने पड़ेंगे, और मैं जितनी बार मंगवाता हूं, चाहे एक पेटी मंगवाऊं चाहे 10 पेटी मंगवाऊं, मेरा ₹100 का किराया लग जाता है, तब वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो केस टू केस डिपेंड करेगा, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हाँ चले जी हो गया यहां तक।
चलें जी, हो गया यहां तक। लिखो जी के एग्जाम्पल, होमवर्क लिखो आज का। पहले तो प्रॉब्लम नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 26, पेज नंबर है जी 24। और कॉस्टिंग में कोई रीडिंग का सवाल नहीं है, आपको सब कुछ लिख के करना है कॉपी में। प्रॉब्लम 26 पेज नंबर है 24। अब कॉपी में हेडिंग डालो प्रॉब्लम 28 पेज नंबर 26, इंपॉर्टेंट लिखो इसको एग्जाम के लिए। प्रॉब्लम 28 पेज नंबर 26, ये हम लोग क्लास में कर रहे हैं अभी, ध्यान से समझना और सुनना। सुनो जी कहानी सुनो, प्रॉब्लम 28 पेज नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना जरा। ईएक्सई लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। एबीएक्स एक कंपनी है जिसको ये ऑफर मिला है। क्या ऑफर मिला है कि अगर आप एक बार में 500 से कम टन माल मंगवाओगे तो हम एक टन आपको कितने का देंगे, 1200 का। 500 से 1000 के बीच में मंगवाओगे तो एक टन आपको कितने का मिलेगा, 1180 का। 1000 से 2000 के बीच में मंगवाओगे तो एक टन 1160 का। ऐसा करके परचेज प्राइस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज, हमें पूरे साल में कितना चाहिए, 5000 टन चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 है एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20%। मतलब होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट 20% है, लेकिन सर इसमें तो 5 तो परचेज प्राइस है, कैरिंग कॉस्ट 20% है, 5 तरह के तो परचेज प्राइस गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल आपको निकालना है सर, लेकिन ये तो बता नहीं रखा एक बार में कितना मंगवाए। अब इस केस में हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हमें हर स्लैब में से आंसर उठाना है कि अगर ये परचेज प्राइस हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको अपने आप ऑर्डर क्वांटिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। सर पहले केस में, पहले केस में मान लो कि हम 400 मंगवा रहे हैं तो मैं यहां आ जाऊंगा लेस देन 500। उसके बाद हर केस का आप लोअर लिमिट उठा लो, 500 से 1000 होगा तो यहां आ जाओगे तो 500 मंगवाओ तो क्या होगा, 1000 मंगवाऊ तो क्या होगा एक बार में, 2000 मंगवाऊ तो क्या होगा और 3000 मंगवाऊं तो क्या होगा। ये पांच ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेंगी, एज्यूम करनी पड़ेंगी। सर फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखना। पहले मान लो मैं एक बार में 400 यूनिट मंगवाता हूं, एक बार में 400। अब एक बार में 400 मंगाओगे तो सामने वाला आपको परचेज प्राइस कितना लगाएगा, 1200 रुपए पर टन। अब देखो इसका टेबल कैसा बनेगा, ऑर्डर क्वांटिटी पहले मैंने एज्यूम की कितनी, 400, तो उसमें उस केस में परचेज प्राइस कितना है, 1200 पर टन। अब इसमें भी सर तीन कॉस्ट हैं, तीनों कॉस्ट मुझे लेके चलनी पड़ेंगी क्योंकि परचेज प्राइस क्या है, अलग अलग है। अगर 400 एक बार में मंगवाओगे तो सामने वाला आपको एक यूनिट कितने की देगा, 1200 पर टन। पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5000, एक यूनिट आएगी, एक टन आएगा 1200 का, तो आपका परचेज प्राइस कितना हो गया, 60 लाख। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर 5000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, एक बार में कितना मंगा रहे हैं, 400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 12.5 और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 1200 हर केस में, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 15000। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, सर एक बार में मंगा रहे हैं 400 तो उसका आधा 200 ऑन एन एवरेज मेरे गोदाम में रहेगा, और 200 पे कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, सर कैरिंग कॉस्ट ना 20% दे रखे, 20% किसका निकालोगे, परचेज प्राइस का, और इस केस में परचेज प्राइस कितना है, 1200, तो 20% ऑफ 1200, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, कैरिंग कॉस्ट आ गई, फिर इन तीनों का टोटल बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर ऐसी अगली ऑर्डर क्वांटिटी उठाऊंगा कितनी, 500, जो कि अगले स्लैब में चली गई, उस केस में मेरा परचेज प्राइस
1180 हो गया सर, पूरे साल की रिक्वायरमेंट तो अभी भी कितनी है 5000, एक और एक यूनिट कितने का आएगा 1180 का, तो परचेस प्राइस 59 लाख हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, पूरे साल की रिक्वायरमेंट 5000, एक बार में कितना मंगा रहे हैं अभी 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 10 × में एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 1200, तो ये आगे 12000। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, 500 एक बार में मंगा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज गोदाम में कितना रहेगा 250। अब एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, कैरिंग कॉस्ट में 20% है किसका, और इस केस में परचेज प्राइस अब कितना हो गया 1180, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई, टोटल कॉस्ट आ गई इतनी। ऐसे करके आपको हर ऑर्डर क्वांटिटी पे तीनों कॉस्ट का टोटल, मतलब बेसिकली एक सवाल में 5 सवाल है और कुछ नहीं है, लंबी कैलकुलेशन है, एक सवाल में 5 सवाल है, इसकी टेबल ऐसी बनाओगे। और पहले आप अपनी, अच्छा आप तो यही देख लेना, पहले टेबल बना लो, ऑर्डर क्वांटिटी, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और पांचों लेवल पे आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। ये टेबल बना लिया आपको, कैसे फॉर्मेट बनाना है, मैं आप क्वेश्चन हटा, मतलब क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं आपको सीधा, ये हो गया।
हाँ जी, बेस्ट कौन सी आ रही है? 1000 पे आ रहा है मेरे ख्याल से, देखते हैं अभी कॉस्ट कितनी आएगी। कितनी आ रही है 1000 पे? 5922। जरा चेक करो, पहले आ रही है 6063, फिर 5971, फिर 5922, 5931 और 5938। चलो जी, हो गया यहां तक। तो इसमें बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी होगी हमारी 1000 वाली। कॉस्ट चेक कर लो एक बारी। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, हटा दूं। What will be your answer if there are no discounts offered and the price per ton is 1500? क्या कहने का मतलब है कि जो ये प्राइस इतने सारे दे रखे हैं, अगर ये परचेज प्राइस फिक्स होके कितना हो जाए 1500, तो तुम्हारा ईओक्यू क्या होगा, क्या आंसर होगा? जैसे अभी ईओक्यू 1000 यूनिट आ रहा है कि 1000 करके मंगवाना चाहिए, तो ईओक्यू क्या होगा? तो 2AO डिवाइड बाय सी ईओक्यू निकालो, जिसमें परचेज प्राइस 1500 है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। देखो वो कह रहा है, अगर परचेज प्राइस 1500 हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम रहेगी 1200, तो कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 1500 कितना, 300 कैरिंग कॉस्ट, और 2AO डिवाइड बाय सी करो, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 300, तो आपका कितना आएगा 200 यूनिट। पॉइंट क्लियर हो गया? लिखो जी प्रॉब्लम नंबर 37 होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 30 और 37 आप ओके। अब ये बात समझना जरा कि आफ्टर 33 के बाद पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो भूल के भी हम एक आधा भी छोड़ नहीं सकते, सारे करने आपको बिल्कुल अच्छे से, और इसके बाद बहुत अच्छे सवाल हैं भी। तो अब आएंगे 37 आपने होमवर्क में लिया, 38 करते हैं हम, 38 देखते हैं एग्जाम का सवाल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लिखो जी प्रॉब्लम नंबर 38, पेज नंबर है जी आपका 33, पेज नंबर जरूर डाला करो, बाद में मिल जाता है, वरना ढूंढते रहेंगे। एसके एंटरप्राइज manufactures a special product ZE. The following particulars were collected for the year. Annual consumption 12,000 unit और कितने days दे रखा है bracket में 360 days, A दे रखा है। Next, अभी आप इसमें से सिर्फ EOQ वाला part पढ़ोगे। Cost per unit 1 रुपया लिखो, ordering cost 12 रुपए per order, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट 24%, नीचे के दो पॉइंट अभी आपके काम के नहीं है क्योंकि हमने जो अगला टॉपिक है हमारा ईओ क्योंकि बाद वाला टॉपिक स्टॉक लेवल वो नहीं किया है आपको, इसमें से पहले दो तो आप निकाल नहीं पाओगे। रीऑर्डर लेवल अभी हमें पता नहीं है क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमें बार बार मंगवानी है। तो आप बस इस केस में मुझे ईओ क्यू निकाल के दोगे।
इस केस में ईओ क्यू निकाल के दोगे आप? वन जीरो नाइन फाइव यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा ईओक्यू। टू इंटू में एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ 1 रुपया, 24 पैसे, ये आपका आ जाएगा 1095। पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपको ईओक्यू करना था। नेक्स्ट लिखो जी प्रॉब्लम नंबर 41 पेज नंबर 35। प्रॉब्लम नंबर 41 पेज नंबर 35। आओ जी, पीक्यूआर लिमिटेड, आप मुझे बताओगे पीक्यूआर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000 यूनिट्स। क्या कह रहे हैं हम? निकालो, लिख लो, लिख लो, कॉपी में लिखो अपने पास। नेक्स्ट, प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट ₹15। ये क्या है? परचेज प्राइस लिखो, परचेज प्राइस 15। नेक्स्ट, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कॉम्पोनेंट एक्स आर रिक्वायर्ड। ये आया क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट। हम जो इस चैप्टर में बात करते हैं, पहला सवाल, रॉ मटेरियल की बात करते हैं या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स कितना कितना करके मंगवाऊं दैट इज ईओ क्यू, या रॉ मटेरियल कितना कितना करके मंगाऊं दैट इज ईओ क्यू? रॉ मटेरियल कितना कितना करके मंगाऊं दैट इज माई ईओ क्यू। अभी जो ये डिमांड दे रखी है, ये किस चीज की डिमांड दे रखी है? पीक्यूआर लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 52,000। ये क्या है? ये डिमांड किस चीज की है? अरे नलायक, रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब मेरा एक महीने में 52,000 यूनिट मेरी मार्केट में बिक जाती है, और एक यूनिट को बनाने के लिए जो मेरा रॉ मटेरियल है जिसका नाम है एक्स, वो कितना लगता है? 2 यूनिट लगता है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मेरी डिमांड जो दे रखी है वो किस चीज की दे रखी है? फिनिश गुड्स की। वो कितनी दे रखी है? 52,000। एक महीने में मेरा फिनिश गुड्स बिकता है तो पूरे साल में कितना बिकता होगा? 6,24,000। ये क्या है 6,24,000? पूरे साल की डिमांड तो है, लेकिन किस चीज की? फिनिश गुड्स की। और एक यूनिट को बनाने में मेरा रॉ मटेरियल कितना लगता है? 2 यूनिट। तो पूरे साल की रॉ मटेरियल की डिमांड कितनी होगी? सवाल ये है। 12,48,000। 24, 24, 48, 6 और 6, 12, ठीक है, 12,48,000। ये मेन पॉइंट था इसमें। तो इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालोगे? एनुअल रिक्वायरमेंट, सर 52,000 मेरे पूरे साल की डिमांड है लेकिन फिनिश गुड्स की है, इंटू में 12 करोगे, ये फिनिश गुड्स की डिमांड आई, इंटू में एक यूनिट को बनाने के लिए 2 यूनिट लगती है रॉ मटेरियल की, तो पूरे साल में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी आई? 12,48,000। ये पॉइंट समझ में आया? ये मेन कहानी थी इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है यहां पे। आपको ये कंफ्यूज कर गया, नॉर्मली लोग जल्दबाजी के चक्कर में पेपर में रॉ मटेरियल पे ध्यान नहीं देंगे, फिनिश गुड्स का ईओक्यू निकाल के आएंगे, जो गलत है। ईओक्यू हमेशा किसका निकलता है? रॉ मटेरियल का। आगे पढ़ो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 350, कैरिंग कॉस्ट 12%। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 है और कैरिंग कॉस्ट 12% किसका निकालोगे? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कितना है? ₹15। मेन कहानी इसमें, मेन कहानी इसमें सिर्फ एनुअल रिक्वायरमेंट की थी, वो लोग गलती करके आएंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट हमेशा किस चीज की निकलेगी? रॉ मटेरियल की, ना कि फिनिश गुड्स की। ईओक्यू रॉ मटेरियल का निकलता है। चैप्टर का नाम मटेरियल कॉस्ट है, ना कि फिनिश गुड्स कॉस्ट।
निकालो ईओ क्यू कितना आएगा, 22,030। ठीक है, कहानी क्लियर होगी। आ गया 22030, कैसे किया आपने चेक कर लो, अंडर रूट में 2 एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 350 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 12% ऑफ 15 इज इक्वल टू 1.8। इससे आपका 22,030 आंसर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ो, पहले तो आपने ईओ क्यू निकाल दिया, ओके। अगला पढ़ो क्या लिखा है, इफ मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 52,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी हैज टू इनकर। कहने का मतलब क्या है सर, कायदे से कंपनी को एक बार में कितना माल मंगवाना चाहिए, 22,030। लेकिन वो बोल रहा है अगर कंपनी एक बार में 52,000 मंगवाएगी तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आएगी। सर क्यों आएगी, क्योंकि ईओ क्यू पे हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग मिनिमम होती है, और अगर हम ईओ क्यू पे नहीं मंगवाएंगे तो हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग ज्यादा हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी वो निकालनी है आपको। तो पहले आप क्या करोगे इसमें, अब बताओ क्या करोगे। देखो यहां पे आप वही टेबल बनाओगे, एक तरफ लिखोगे 22,030 मंगवाए तो क्या होगा, और एक तरफ लिखोगे 52,000 मंगवाए तो क्या होगा। लेकिन सवाल ये है, परचेज प्राइस को कंसीडर करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि परचेज प्राइस क्या है, सेम है, उसकी चेंज की तो बात ही नहीं हो रही। तो आप सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे और कैरिंग कॉस्ट निकालोगे एट 22,030 और 52,000 पे। और बताओगे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है, हुआ जी। ये देखो एक बार, परचेज प्राइस को तो इसमें कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि परचेज प्राइस सेम ही है 15 रुपए। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे सर, पूरे साल की रिक्वायरमेंट 12,48,000, एक बार में मंगा रहा हूं 22,030, तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर 56.65 आ जाएंगे शायद, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 350, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 19,800 समथिंग आएगी। कैरिंग कॉस्ट निकालो जो भी आएगी, और टोटल आ जाएगा 39,655, और इधर का ऑर्डरिंग और कैरिंग मिला के आएगा 55,200। तो डिफरेंस कितना आ गया, 15,545 द कंपनी हैज टू इनकर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 15,545 अगर वो एक बार में मंगवाती है 52,000 यूनिट्स। चेक करो जी, कैलकुलेशन करते टाइम हम प्रॉपर लेंगे, असलियत में प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 56.65 ऑर्डर्स करूं, या तो 56 करूंगा या 57 करूंगा, ये प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट लेते हैं, ऐसे है बिल्कुल एग्जैक्ट लेते हैं। चले जी, हो गया ये, क्लियर होगी कहानी, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई। लिखो जी एक क्वेश्चन, देखो अगला प्रॉब्लम 47 पेज नंबर 38।
बहुत आसान है, यही देख लो, ये बहुत सिंपल, फटाफट कर दो। दो नंबर का कभी एग्जाम में आया था। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट दे रहा है, एक यूनिट की 3.6 है। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल दे रखी है 9000 पर एनम। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते कैसे हो आप? सिर्फ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हो? ईओक्यू डिवाइड बाय टू, एक बार में जितना मंगवाते हो उसको डिवाइड बाय टू। व्हाट वुड बी द ईओक्यू? आपको बताना ईओक्यू क्या हो, कैसे निकालोगे? सर 9000 टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ईओक्यू डिवाइड बाय टू इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है? 3.6। चलें जी आगे चलें, लिखो होमवर्क लिखो। प्रॉब्लम 48 कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 48, प्रॉब्लम 50 के बाद 55, 53। और 54 भी, 53, 54, 55 ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे करने को तो चलो बहुत है इतना, आज के लिए होमवर्क बहुत है इतना। तो कल हम लोग ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, प्लीज। हाँ क्लास तो मंडे टू सैटरडे ही रखते, क्या करोगे छुट्टी लेके? अरे सही है, घर वाले भी तुमसे परेशान ही होंगे, वो कहते होंगे अच्छी बात हो जाए। ठीक है जी, मिलते हैं कल सुबह, और ये सारा होमवर्क है आपका।